डोज चेंज किया गया ना, तो मुकरी जो यहाँ का जो डॉक्टर है उज़ैर मुकरी, उसने डोज का इन्फेक्शन बताया, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि उससे उसको ना जॉन्डिस भी होएगा। ठीक है, अब सडनली वो दवाई एक हफ़्ता खाई, एक हफ़्ता खाने के बाद सडनली उसका दो दिन में बदन एकदम पीला हो गया। बाकायदा हम आए थे दवा खाने में, लेकिन उज़ैर मुकरी वो टाइम पे विजिट पे नहीं थे। अब जब शाम हुई तो उज़ैर मुकरी ने पूरी रिपोर्ट देखा, तो उसने साइन हॉस्पिटल का हमारे को लिख के दिया, लेकिन उन्होंने ये हमको नहीं बताया कि उसका लीवर फेल हुआ है। हाँ, हमको ये चीज़ कहाँ मालूम पड़ी, हमको साइन हॉस्पिटल में दूसरे दिन जब साइन वाले लोग ने रिपोर्ट निकाले तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ी है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं गोवंडी शिवाजी नगर के रोड नंबर 4 में जो नूर अस्पताल है बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ। ये नूर अस्पताल जो कि मौत का सौदागर अस्पताल है, इसी अस्पताल में कुछ दिन पहले सानिया शेख नाम की एक बहन का काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर इलाज करने के दौरान जो है मौत हो गई। अब ये मौत का जो लापरवाही हुआ है, ऐसे अस्पताल जिसके बड़े मार्गदर्शन नेताओं से जुड़े होते हैं, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बजाय कैसे जो है परिवार के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तमाम जो है मामलात अपनी जगह है। बहरहाल सानिया शेख की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल जिसे संरक्षण प्राप्त है बड़े बड़े नेताओं के, गुंडों के, या BMC जो ऐसे अस्पतालों पर कोई भी सर्वे नहीं करते, ये नहीं देखते कि इनके पास डिग्री कौन सी है, गुंडागर्दी की डिग्री है या लोगों की जान बचाने की है। लोगों की जान लेने वाला नूर अस्पताल ये किस तरीके की लापरवाही किया? हमारे साथ सानिया शेख के भाई मौजूद है जिन्होंने अपनी बहन को खोया है, और इनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शकील शेख है। आप करते क्या है? मेरा इवेंट का काम है। तो आपकी बहन को कैसे उपचार के लिए लाए, क्या बीमारी थी उन्हें? उनको था कैसा था, उनको सीने में इन्फेक्शन था, उनका स्टार्टिंग में इलाज अच्छा किया गया, बाद में फिर रमज़ान के दरमियान है ना उसका डोज चेंज किया गया। डोज चेंज किया गया ना, तो मुकरी जो यहाँ का जो डॉक्टर है उज़ैर मुकरी, उसने डोज का इन्फेक्शन बताया, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि उससे उसको ना जॉन्डिस भी होएगा। ठीक है, अब सडनली वो दवाई एक हफ़्ता खाई, एक हफ़्ता खाने के बाद सडनली उसका दो दिन में बदन एकदम पीला हो गया। बाकायदा हम आए थे दवा खाने में, लेकिन उज़ैर मुकरी वो टाइम पे विजिट पे नहीं थे। ठीक है, जब हमने दो दिन उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जब उसको यहाँ एडमिट कराने लाए, उनका रिपोर्ट कराया गया, रिपोर्ट कराने के बाद इन लोग ने बोले कि इसका जॉन्डिस ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से हमने भी देखे, लेकिन इन लोग ने ना जॉन्डिस को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जब शाम हुई तो उज़ैर मुकरी ने पूरी रिपोर्ट देखा, तो उसने साइन हॉस्पिटल का हमारे को लिख के दिया, लेकिन उन्होंने ये हमको नहीं बताया कि उसका लीवर फेल हुआ है। हाँ, हमको ये चीज़ कहाँ मालूम पड़ी, हमको साइन हॉस्पिटल में दूसरे दिन जब साइन वाले लोग ने रिपोर्ट निकाले तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ी है। हाँ, इन लोग की ये लापरवाही थी, इन लोग को मालूम था कि इसका लीवर फेल हो गया है, हमारे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बहाना करे कि इसको ICU की ज़रूरत है, और हमें यहाँ से सिर्फ उन लोग को निकालने का एक वो बहाना चाहिए था। अच्छा, साइन अस्पताल का जब रिपोर्ट में लिख के दिया गया कि लीवर फेल हो गया है, तो आप यहाँ पर आकर के उनसे बोले कि आपने क्यों रिपोर्ट ऐसा? हमारी बहन की हालत ऐसी थी वो टाइम पे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम कुछ 4 दिन से वहाँ जाग रहे थे, वहाँ के डॉक्टर्स भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा वहाँ रहना ज़रूरी था। वहाँ से आने के बाद जब हम लोग ने इनसे बात करे तो इन लोग ने डायरेक्ट हाथ उठा दिया कि बोले हमारी गलती नहीं है, बाकायदा दवाई यहाँ की चालू थी और किधर की दवाई नहीं चालू थी उसकी। अच्छा, जब आपने ट्रीटमेंट के लिए लाया तो किस तरीके का चार्ज था, या तुरंत जो है एडमिट करने के लिए ये लोग पैसे की लालच में परेशान हो गए, ये भी नहीं देखे कि पहले रिपोर्ट वगैरह निकाले? नहीं, इन लोग ने पहले एडमिट करे, दो सलाइन चढ़ाने के बाद फिर इन लोग ने रिपोर्ट निकाले। जब रात में 2 बजे की रिपोर्ट निकाले वो टाइम पे कुछ 800 पॉइंट था, और फिर सुबह 7 बजे वापस से इन लोग ने रिपोर्ट निकाले तो वो टाइम पे 1200 पॉइंट था। मतलब डॉक्टर लोग ने इंटरेस्ट नहीं लिया, जो हिसाब से पॉइंट जो बढ़ा है ना उसको कंट्रोल था, लेकिन इन लोग ने वो कंट्रोल नहीं करे। क्या कारण मानते कंट्रोल नहीं करने, मतलब ऐसी लापरवाही? हम तो ये मानते लापरवाही हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की। तो ये जब तमाम मामला हुआ तो आपने कुछ कंप्लेन करने की कोशिश करी, या कुछ यहाँ से आपने कहा कि यहाँ इस पे ऊपर एक्शन ले, या BMC से कोई मांग? नहीं, कंप्लेन करने की हमने सोचे थे, लेकिन कैसा वो मसला थोड़ा अलग हो जा रहा था, क्योंकि हमारी बहन तो गई है, क्योंकि अभी वो बात PM की आ रही थी तो हम थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि अभी एक बार हो गया, दफन हो गई, तकसीम हो गई, तो हम मजबूर हो गए उससे कुछ करने की। बस ये नहीं, मांग क्या करेंगे, BMC हो, पुलिस हो, कि ऐसे अस्पताल पर ध्यान दे, लापरवाही का जो मामला आता है तुरंत मरीज जो है एक्शन ले अगर उन्हें मालूम पड़े। नहीं तो मांग यही है कि अगर यहाँ कोई आवे नहीं, अगर BMC की बात है तो उन लोग जाँच करें यहाँ पर, डॉक्टर्स की डिग्री देखें, और सेकेंड थिंग यहाँ का जितने भी है फोकस हॉस्पिटल है तो वो सब चीज़ को बंद करावे यहाँ पर, यहाँ का ये कोई भी फालतू हॉस्पिटल गोवंडी में चाहिए नहीं।
और उन लोग को जो सपोर्ट है जो चीज़ का, जो भी कोई भी बंदे का। कोई गुंडागर्दी आपसे किया है मामले, कोई गुंडे वगैरह पाले है हॉस्पिटल में? ना, ये गुंडे तो कोई नहीं पाले, सिर्फ सपोर्ट में एक आए थे। राजनीतिक दल से लोग? नहीं, राजनीतिक दल से तो कोई नहीं आया। किस तरह, कोई धमकी वगैरह नहीं दिया आपको? नहीं नहीं, धमकी वगैरह तो अभी हमारे को फिलहाल कुछ आई नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी करते हैं क्या कहेंगे? हाँ, वो जिसका हॉस्पिटल है बाबू का, वो गुंडागर्दी कर रहा था वो हमारे से। जिस तरीके से इनका कहना है, और ये आरोप कोई नया आरोप नहीं है नूर अस्पताल का, ऐसे दर्जनों गोवंडी में अस्पताल है जो कि बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के चलते ये तमाम अस्पताल सिर्फ और सिर्फ चलाते हैं अपने गुंडों के, स्थानीय गुंडों के दबाव के चलते, और इसी गुंडों के दबाव के चलते अस्पताल इतना आगे बढ़ जाता है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर देता है। एक जीता जागता उदाहरण अपने बहन को खोने के बाद बता रहे। ऐसे तमाम अस्पतालों पर जो आरोप लगते हैं, इस पर ये देखना है कि यहाँ के विधायक अबू आसिम आजमी जी वो किस तरीके से ध्यान देते, या ऐसे मौत के सौदागर अस्पताल जो खुलेआम चलते ये ऐसे ही चलते रहते। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।